नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस की खास पेशकश मोदी मीटर। प्रधानमंत्री जी का एक टीवी इंटरव्यू सुर्खियों में है, जो उन्होंने एकदम जुदा अंदाज में न्यूज चैनल आज तक को दिया है। अभी तक मोदी जी अलग अलग संपादकों को घर बुलाकर बात करते थे, मगर इसमें उन्होंने गंगा किनारे टहलते हुए, चाय पीते हुए और फिर क्रूज में चढ़कर आज तक चैनल के तीन सबसे बड़े चेहरों अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और राहुल कंवल से बात की है। और चैनल ने इस इंटरव्यू को अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय इंटरव्यू कहकर ब्रांड किया। इसमें वो सवाल भी पूछे गए हैं जिनसे अभी तक इंटरव्यू करने वाले संपादक परहेज किया करते थे। आज तक ने इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देकर इंटरव्यू की टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की और इस बात को आज तक ने खूब प्रचारित किया कि यह अब तक का सबसे साहसिक इंटरव्यू है। वो कौन से सवाल? उन सवालों से मुराद है बेरोजगारी, गंगा की सफाई, नोटबंदी से हुए नुकसान, GST, किसानों की आय वगैरह वगैरह। दो राय नहीं कि सवाल पूछे गए, ये बात दीगर है कि पीएम ने अपने अंदाज में और अपने हिसाब से इनका जवाब दिया। राहुल कंवल तो शुरुआत में ही बोल्ड हो गए। उन्होंने जैसे ही कोशिश करी कि वो मुद्दे को उन कठिन सवालों की ओर ले जाएं, वहां उनको अपनी निष्ठा की ही सफाई देनी पड़ी। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि पीएम बार बार बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान रोजगार, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, किसानों की हालत, इन तरह की चीज़ों से भटकाना चाहते हैं। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं कि न्यूट्रल मीडिया है? बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडिया है, तो मेरी अपेक्षा है। आप इंटरव्यू के आखिर में पीएम से तीनों एंकर्स का संवाद सुनिए पहले, जिसमें पीएम की बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जितनी छूट मैंने तुम लोगों को दे दी उतनी आज तक कोई नहीं ले सका। तो पहले ये सुनिए आप। इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल कंवल को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था, ये होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधानमंत्री जी, ये होने वाला है। तो सुना आपने, पीएम कह रहे हैं कि इतने के बावजूद, मतलब क्या कितने के बावजूद? इंटरव्यू तो वो देते रहे हैं, पहली दफा नहीं दे रहे। ये कहने का मतलब यही माना जा सकता है कि आरोप लगते रहे हैं कि पीएम के इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी उनके सवाल पहले से तय होते हैं। जो लोग कहा करते थे कि एकदम हलवा किस्म के सवाल ही पूछने की इजाजत पीएम को देता है, उस हद को आज तक के मामले में तोड़ दिया गया, शायद यही कहना चाह रहे हैं। असहज करने वाले मुद्दे भी उठाए गए और हमने जवाब भी दिए, लेकिन विरोधी इस पर भी सवाल उठाएंगे, कहेंगे मोदी जी को कड़े सवालों से घेरा नहीं गया। अब इंटरव्यू देना कोई एहसान तो है नहीं जो इतने के बावजूद जैसी बात कही जाए। रही बात सवालों की, तो सामने बैठे पत्रकार का धर्म ही यही है कि वो जनता की तरफ से बात करे। सवाल यह है कि आज तक के लिए यह इंटरव्यू इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे बन गया, क्यों बन गया, जिसमें यह कहने का मौका मिल गया कि आज तक मोदी जी का किसी ने इतना जबरदस्त इंटरव्यू नहीं किया, और मोदी जी ने ऐसा क्यों जताया कि देखो मैंने हर सवाल का सामना किया, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानेंगे, फिर भी इसमें कमी निकालेंगे। क्या यह आम का इफेक्ट है? नहीं समझे? अरे हाल में ही बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को दिया नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, जिसमें अक्षय ने पहला सवाल ही पूछा था, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर? आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या
हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? 5 साल में मोदी जी ने देश को क्या कुछ दिया, इस पर अनंत बहस हो सकती है, हो भी रही है। मोदी दोबारा आ गए तो और भी, अगर नहीं आए तब भी, बल्कि उनके ना आने पर यह बहस और ज्यादा होगी। तब यह होगा कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने ऐसा कर दिया था। एक बात तो है, मोदी जी जीते या हारें, भारतीय राजनीति पर मोदी इफेक्ट स्थायी फीचर बन गया है। आप देखिए ना, ये संवैधानिक संस्था खत्म हो गई, वो संवैधानिक संस्था खत्म हो गई, क्या CBI, क्या CAG, क्या चुनाव आयोग, ऐसा कौन बचा जिस पर मोदी जी के इशारे पर काम करने का आरोप नहीं लगा? इशारा विशारा तो छोड़िए, बल्कि इन पर कब्जा कर लेने का आरोप नहीं लगा। पहले की सरकारें हो सकता है ढके छिपे तरीके से ऐसा करती हों, और मोदी जी के ज़माने में सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो गया, मतलब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अब मोदी जी के इस वृंदावन में बहुत कुछ पहली बार हुआ, वो खुद ही कहते हैं ना कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमने किया, तो 70 साल में यह भी पहली बार हुआ कि मीडिया भी निपट गया। अखबार और न्यूज़ चैनल्स का एक बड़ा तबका जिस पर गोदी मीडिया का ठप्पा लग गया। किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिहाज से खबरों में खेल पकड़ पाना आम लोगों के लिए संभव नहीं हुआ करता था। 5 सालों में सबसे खतरनाक बात यह हुई है कि आम लोग कहने लगे मीडिया बिका हुआ है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता पर इतना बड़ा संकट शायद ही कभी आया हो। अब विडंबना देखिए, कथित तौर पर मीडिया बिका हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब ओपन हाउस, जहां इकट्ठा पत्रकारों को अपनी पसंद के सवाल सीधे पूछने की आजादी हो, काउंटर क्वेश्चन भी हो सके, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत तमाम पूर्व प्रधानमंत्री किया करते थे। कांग्रेस और उसके प्रेसिडेंट राहुल गांधी मोदी जी पर यही तंज कसते रहते हैं कि PM में हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया के सवालों का सामना कर सके, और मोदी जी करते भी हैं सवालों का सामना, लेकिन अलग अलग, कभी किसी अखबार के संपादक को, कभी किसी चैनल को बुलाकर। इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं और चल जाते हैं, लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, देश की जनता के असली मुद्दे इन सवालों में शामिल नहीं होते। लेकिन अक्षय कुमार वाला इंटरव्यू इस घोर चुनावी मौसम में शायद बैकफायर कर गया। ऊपर से ये और जाहिर हो गया कि ये इंटरव्यू गोदी मीडिया के आरोप में पहली पायदान पर बैठने वाले जी न्यूज ने मैनेज किया था। तब से सोशल मीडिया पर और ज्यादा हमले हो रहे थे, और शायद असल सोशल मीडिया का ही है कि आज तक को घनघोर पॉलिटिकल इंटरव्यू करने का मौका मिल गया। सवाल पूछने वालों ने कितनी ईमानदारी रखी और कितनी हिम्मत दिखाई, ये तो आप लोग ही तय करेंगे। चुनाव के बाकी बचे चरण बहुत अहम हैं। इस बीच में कोई और पॉलिटिकल इंटरव्यू होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज के मोदी मीटर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। हमसे जुड़ने के लिए आप राजसत्ता एक्सप्रेस को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर आप ये Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।